बिरयानी बहुत ही लजीज बना हुआ है। सो देख सकते हैं यहाँ पे आमिश को ये वाला जो खीर है बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग गया है। फायदा उठाइए क्योंकि मेरी रेसिपी औसम होती है, औसम बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब, रेस्टोरेंट फेल होता है। सो हेलो गाइस, कैसे, उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ हैप्पी न्यू ईयर। दोस्तों हम लोग कदम रख चुके हैं 2023 में और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों ने 2022 में बहुत ही ज्यादा प्यार दिया और मुझे उम्मीद है कि 2023 में भी आप लोग बहुत ही ज्यादा प्यार देंगे। और आज हम लोग आए हुए हैं ऑक्सीजन पार्क और यहाँ पे हम लोग बहुत ही ज्यादा मस्ती करने वाले हैं और 2023 का शुरुआत बहुत ही खुशी के साथ करने वाले हैं। और आज हम लोग जाने वाले हैं भाई गुलशन खाना खजाना के पास, यानी कि वो एक यूट्यूबर है जिन्होंने हम लोगों को इनवाइट किया हुआ है। तो चलिए गाइज, मैं आप लोगों को उनसे भी मिलाता हूँ और वहां पे हम लोग क्या क्या एंजॉय करेंगे, क्या क्या खाएंगे, मिलेंगे, सारा कुछ आप लोगों को दिखाने वाले हैं। और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल के अंदर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा मुझे प्यार दीजिए। तो चलिए गाइज हमारे धमाकेदार वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। सो दोस्तों यहाँ पे कौन कौन आए चलिए दिखाते हैं। देखिए साहिल है, मोटा भाई है और ये मोटा भाई आज बहुत ही ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं। तो क्या क्या खाएगा भाई? तो जो जो खिलाएगा खाते रहेंगे, मतलब मेरे पे ही डिपेंड है। इसको अभी जो जो खिलाएंगे वो खाएगा। तो चलिए इसको क्या क्या खिलाते हैं आप लोग वीडियो के अंदर बने रहिए और बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। और देखिए ऑक्सीजन पार्क के अंदर बहुत सारे लोग पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग हैं और बहुत ज्यादा भीड़ भी, अभी सुबह ही सुबह का टाइम है और इतना ज्यादा भीड़ है। और दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए आए हैं। यहाँ पे देखिए आमिश भाई चाय पियेंगे और यहाँ पे कुल्हड़ वाला चाय बन रहा है देखिए, जो कि बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनता है। सो दोस्तों फाइनली हम लोग ऑक्सीजन पार्क से निकल चुके हैं और यहाँ पे आप देखिए हमारा गाड़ी लगा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं और पूरा फुल्ली एंजॉय करते हैं भाई। तो चलिए चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं डीपा टोली और हम लोगों को यहीं से जाना है देखिए बाएं साइड में। तो चलिए हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं जाके कि भाई हम लोगों को कहां पे जाना है। तो फिलहाल अभी हम लोगों को यही रोड से घुसना है। सो दोस्तों मैं आ चुका हूं गुलशन खाना खजाना के घर में और यहां पे देखिए आमिश रास्ता भी गड़बड़ा गया था। क्या भाई गड़बड़ाया था ना? नहीं भाई हम नहीं गड़बड़ाए थे, झूठ बोल रहा है ये, क्योंकि पूरा ढूंढ के आना पड़ा है। और ये है उनके बेटे हैं ये, क्या नाम हुआ? मेरा फरहान है। फरहान, और ये भी छोटा यूट्यूबर है तो भाई इनको पहचान लीजिए। और ये गुलशन खाना खजाना में, जो कि मैं अभी आप लोगों को मिलाने वाला हूँ और चैनल भी आप लोगों को बता दूंगा कौन है क्या है और डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहाँ पे भी आप जाके क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं अंदर। तो देखिए हम लोग आ चुके हैं अंदर में और चलिए यहाँ पे हम लोग मिलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोग आए हुए हैं गुलशन खाना खजाना के घर में और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा खाना लग चुका है और आमिश पूरा रेडी है खाने के लिए। और देखिए यहाँ पे बिरयानी बहुत ही लजीज बना हुआ है और खा के भी मैं आप लोगों को टेस्ट बताने वाला हूँ। और यहाँ पे देखिए हम लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं और यहाँ पे उनके हस्बैंड जी हैं सबीर जी और अभी हम लोग खाना खाएंगे। यहाँ पे देखिए पापड़ भी है और ब्राउन रजाला है और ये शामी कबाब है। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आइटम लगा हुआ है और आमिश जी इसका टेस्ट बताने वाले हैं अभी। चलिए टेस्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए ऐसा बना हुआ है ना, जो कि आप लोगों को रेस्टोरेंट में मिलता है। तो भाई अगर आप ऐसा रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दे रहा हूँ गुलशन खाना खजाना, तो वहाँ पे जाइए और इनका बढ़िया बढ़िया रेसिपी देखिए और सीखिए आप भी और अपने घर में बना के आप भी खाइए। सो अभी साहिल भाई यहाँ पे बिरयानी खा चुके हैं और शमी कबाब भी खाएं और भी बहुत सारा आइटम। तो अभी हम इनसे रिव्यू लेंगे, उसके बाद आमिर से भी लेंगे कि कैसा लगा। और ये बहुत ज्यादा रेस्टोरेंट जाता है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी है, लाजवाब है ये, बहुत ज्यादा ही बढ़िया है, लाजवाब है ये शमी कबाब, बहुत बढ़िया है। सो दोस्तों हम लोगों का लगभग खाना हो चुका है और यहाँ पे जो बिरयानी का टेस्ट था ना भाई, आप लोग देखे ही होंगे हमारे वीडियोस के अंदर, हम लोग बहुत सारा रेस्टोरेंट गए हैं, रांची का लगभग सभी रेस्टोरेंट गए हुए हैं और वहाँ का बिरयानी भी टेस्ट किए हैं, उसके साथ साथ चिकन वगैरह भी टेस्ट किए हैं, लेकिन यहाँ पे घर का बनाया हुआ बिरयानी इतना ज़्यादा टेस्टी होगा ये मैंने नहीं सोचा था। और भाई जैसा चैनल का नाम है ना गुलशन खाना खजाना, उसी तरीके से इनका टेस्ट भी है
तो भाई अगर आप लोग भी खा पाते तो मैं ज़रूर खिला देता, लेकिन फिलहाल तो अभी मैं खाया हूँ और बहुत ही ज़्यादा लजीज है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और इन्होंने शम्मी कबाब भी खिलाया, वो भी लाजवाब है यार, तो दिल खुश हो गया यहाँ पे आके, मज़ा आ गया। और यहाँ पे कस्टर्ड खीर भी है जो कि बहुत ही लाजवाब लग रहा है, तो चलिए भाई इसको भी खा के आप लोगों को टेस्ट बताएंगे। टेस्ट एकदम बढ़िया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आमिश को ये वाला जो खीर है बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग गया है, और ये इसका तीसरा बार है, तो धूम मजा आएगा ये खीर खा के। क्या भाई मजा है ना, इसको बहुत मजा आ गया। तीन प्लेट बिरयानी के बाद अब तीसरा प्लेट ये खीर है। सो दोस्तों अभी तक आप लोगों को इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा, क्योंकि भाई आज न्यू ईयर भी है, 2023 का पहला दिन भी है, और देख सकते हैं हमारे सामने है गुलशन खाना खजाना। और इनसे मेरी बात हुई थी और इन्होंने अपने चैनल के बारे में बताया, इन्होंने अपना लिंक भेजा चैनल का, तो मैंने देखा भाई, चेक किया, उसके अंदर 430 वीडियो पड़ा हुआ है, और ये 3 साल से यूट्यूब के अंदर बहुत ही कंसिस्टेंटली मेहनत कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये बताया कि मेरा व्यूज वगैरह नहीं आ रहा है, मैं उतना बढ़िया तरीके से ग्रो नहीं कर पा रही हूँ। तो भाई मुझे बहुत बुरा लगा सुन के, क्योंकि मैं भी एक यूट्यूबर हूँ और यूट्यूबर का दर्द मैं समझ सकता हूँ कि भाई कितना ज्यादा मेहनत लगता है, पैसा लगता है, उसके बावजूद भी अगर आपके वीडियो के अंदर व्यूज ना आए तो ये बहुत प्रॉब्लम वाली बात हो जाती है और कहीं ना कहीं डीमोटिवेशन आने लगता है। तो फाइनली इनसे आज हमारा मीटिंग भी हुआ और इन्होंने अपने हाथों से बनाया हुआ बिरयानी खिलाया, उसके बाद शम्मी कबाब खिलाया, उसके साथ साथ कस्टर्ड खीर भी खिलाया, बहुत ज़्यादा टेस्टी। इनका जो हाथ का बनाया हुआ चीज़ था ना, मतलब रेस्टोरेंट फेल है यार। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं रेस्टोरेंट का भी रिव्यू दे चुका हूँ आप लोगों को, आप लोग मेरे वीडियो के अंदर पहले ही देखे हैं, ऑलरेडी देखे हैं। तो आज हम लोग इनसे जानते हैं और ये भी जानेंगे कि भाई इन्होंने 3 साल से कैसे बिना इनकम किए 430 वीडियो बनाया है और आज तक यूट्यूब में ये कैसे टिकी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलशन और मेरे चैनल का नाम है गुलशन खाना खजाना, जो कि कुकिंग चैनल है। और 3 साल से इस चैनल पे मैं बहुत बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, यूँ कहें कि शिद्दत के साथ, बिल्कुल शिद्दत के साथ ही मेहनत कर रही हूँ, लेकिन अभी तक मुझे इसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। और बस एक वीडियो अपलोड करती हूँ, फिर उम्मीद बहुत ज़्यादा होता है कि शायद मेरा ये वीडियो वायरल चला जाएगा, फिर से नहीं होता, फिर मैं दूसरी वीडियो की तैयारी करने लगती हूँ। लेकिन जब फिर भी नहीं होता तो कहीं ना कहीं निराश होती हूँ, लेकिन फिर लगता है कि कब तक ऐसा ही होगा कि मेरा जो उम्मीद है वो बस इसी तरह टूटता जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा उम्मीद जो है वो उस पर मैं खरी उतरूंगी और मेरा चैनल चल जाएगा, मेरी कोई ना कोई वीडियो तो ज़रूर वायरल होगी। सो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल में जाएं, जिसका नाम है गुलशन खाना खजाना। तो आपको इस चैनल में जाके बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी मिलेगी, और मुझे इस बात का अफसोस है कि आप लोग इस चैनल से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। फ़ायदा उठाइए, क्योंकि मेरी रेसिपी औसम होती है, औसम, बहुत टेस्टी, बहुत लाजवाब। रेस्टोरेंट फेल होता है मेरा टेस्ट में, हाथों का टेस्ट में, ये तो ऊपर वाले की करिश्मा है कि मेरे हाथों में अल्लाह ने जायका दिया है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ जाएं गुलशन खाना खजाना में और सर्च करके जाएं और वीडियो को देखें, उससे फ़ायदा उठाएं और अपना जो राय है वो मुझ तक कमेंट के जरिए ज़रूर पहुँचाएँ। सो दोस्तों आप लोगों को मैंने मिलवाया गुलशन खाना खजाना से, और इसलिए मिलवाया क्योंकि इनका स्ट्रगल देखकर मुझे मोटिवेशन मिला भाई, बहुत ज़्यादा। और इनका जो हाथ में जो कला है ना, वो भाई रेस्टोरेंट फेल है। तो इसलिए अगर आप लोग भी वैसा रेसिपी सीखना चाहते हैं, वैसा खाना बनाना सीखना चाहते हैं, तो इनके चैनल पे जाना पड़ेगा, गुलशन खाना खजाना पे, और सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा इनको प्यार दीजिए भाई। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए और भाई इनका सपोर्ट करिए, आप बहुत ज़रूरी है इनको सपोर्ट करना। और अगर आप सपोर्ट करेंगे, बस इनके चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर देंगे, तो आपका कुछ नहीं जाएगा, आपका पैसा भी खर्चा नहीं होगा। जैसे अभी हमारे वीडियोस को बहुत सारे लोग देखे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यार सब्सक्राइब कर लो, वही तो हमारा एक मोटिवेशन है, वही तो हमारा एक प्यार है। इसीलिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए
और चैनल को सब्सक्राइब करिए ज्यादा से ज्यादा। तो दोस्तों अब बारी है यहाँ से जाने का और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मजा आया और यहाँ पे देखिए आमिश भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया और ये भाई से भी मिलके बहुत मजा आया और यहाँ पे देखिए गुलशन दीदी है और बहुत मजा आया इनसे भी मिलके। तो भाई मैं इनको भी इन्वाइट करता हूँ कि ये भी मेरे घर आए, आइएगा ना इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर। सो गाइज यहाँ पे आके बहुत मजा आया और अभी चलिए चलते हैं। वैसे जाने का मन तो नहीं कर रहा है लेकिन जाना तो पड़ेगा भाई। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, मिलकर बहुत मजा आया। सो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं तक था और आप लोग कमेंट करके बताइए वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। दोस्तों आज था भाई 1 जनवरी 2023 और हम लोगों ने कोशिश किया आप लोगों को खुश करने का और अच्छा अच्छा चीज दिखाने का। तो भाई गुलशन खाना खजाना से मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग उनका चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक दे दिया है और भाई उनसे मिलकर बहुत ही मजा आया। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारे इंस्टाग्राम में मंसूर 43 आपसे जहां से फॉलो करें। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।